Hello students, myself Chintu Verma. Today I am teaching you about the test of fibers. अब टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम बर्निंग टेस्ट की बात करते हैं कि अगर हम फाइबर्स को जलाते हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज हमारे सामने आती हैं। मैं उन पर आज प्रकाश डाल रहा हूँ। लेट्स गो। ध्यान दीजिए, एक नंबर वन इधर मैंने कॉलम जो दिया है फाइबर्स है और इधर जलने के बाद उनका क्या रेस्पॉन्स रिजल्ट निकलता है वो मैंने इधर लिखा है। ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं। कॉटन, कॉटन फाइबर रूल जिसे आप बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब हम इसको तेजी से जलाते हैं तो बहुत तेजी से आग लगती है, बहुत तेजी से जल्दी चली जाती है। तो वायोरेस्टिंग बहुत तेजी से जलती है और जलने के बाद कैसे स्मेल आती है, जैसे कागज जलता है एक स्पेशल गंध जिसे हम पहचान लेते हैं कॉटन की जो जल रही है, पेपर जल रहा है ऐसा लगता है। ठीक है, और बीड्स नहीं बनते हैं, इसका मतलब जलने के बाद सीधे राख पाउडर जैसे बन जाती है, राख बन जाती है, छुएंगे तो पाउडर बन जाएगा, कोई गांठ जैसी या सॉलिड चीज नहीं बनेगी, दैट इज नो बीड प्रोड्यूस्ड। ठीक है, दूसरा है वूल एंड सिल्क। वन स्लोली विद ए स्मेल ऑफ बर्निंग फीदर, फीदर जो वर्ष होते हैं उड़ने वाले पंख होते हैं, पंख एक खींचकर आपने निकला हुआ पड़ा हुआ कहीं भी देखा हुआ, कहीं भी पड़ा हुआ देखा होगा, दैट इज फीडर। तो फीडर को जलाने से जो स्मेल आती है या बाल को जलाने से जो स्मेल आती है वही स्मेल सीधे वूल और सिल्क को जलाने पर आती है। ठीक है ना, रेयॉन वंस रेडी विद ए स्मेल ऑफ बर्निंग पेपर, ये भी जलाने पर बहुत तेजी से जलता है रेयॉन, और रेयॉन को जलाएंगे तो तेजी से जलने के साथ साथ ये भी राख जैसी बन जाती है, कोई बीड नहीं बनती, कोई सॉलिड नहीं बनता है, सिर्फ राख जैसा बन जाती है। अगर उसे पकड़ कर दबाएंगे तो बिल्कुल सॉलिड राख पाउडर की तरह हो जाती है, दैट इज रेयॉन भी बिल्कुल सिंपल तरीके से जल जाता है और पेपर की जैसी स्मेल आती है और उसके बाद वो राख बन जाती है, इसीलिए कोई बीड नहीं बनती है। लेकिन हम बात करते हैं नंबर थर्ड फोर्थ नाइलॉन। नाइलॉन धागा बहुत स्ट्रांग होता है वैसे, और इसकी बात करते हैं वन वंस स्लोली, वो तेज तो नहीं चलता, धीरे धीरे जलेगा जलेगा आगे चलता है जलता जाएगा, और साथ साथ एक और चीज होती है इसमें, जैसे जैसे जलता जाएगा वैसे वैसे सिकुड़ कर इकट्ठा होता चला जाता है। श्रिंक्स फ्रॉम फ्लेम इट फॉर्म्स अ बीम, अब वो जलता भी जाएगा सिकुड़ता भी जाएगा, जैसे यहाँ से जलाने से जलता है तो छोटा होता चला जाएगा जलने के साथ साथ, और ये सिकुड़ कर इकट्ठा होता जाएगा और एक सॉलिड पदार्थ जल जाएगा, आग बुझ भी जाएगी या बहुत देर तक जलता रहेगा, और बुझने के बाद भी सॉलिड हार्ड हार्ड एक सॉलिड इकट्ठा हो जाता है, दैट इज व्हाट बीड बन जाती है उसमें, किसमें नाइलॉन में, तो नाइलॉन जलता है स्लो जलता है साथ साथ उसमें बीड बन जाती है और सिकुड़ता है, तो तीन चीजें, जलता स्लोली है, सिकुड़ता भी है गर्म करने पर जलने पर, और साथ साथ बीड भी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉलिएस्टर बर्न स्लोली, धीरे धीरे जलता है पॉलिएस्टर, जलता है बहुत धीरे 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 जलेगा, एक साथ जल के खत्म नहीं, जैसे कॉटन के फाइबर को धागे को आग लगाओ सीधे जलते चला जाएगा, यहाँ से जलाया सीधे जल गया, यहाँ आग लगाई यहाँ बहुत जल्दी पा, ये कॉटन होती है बट पॉलिएस्टर ऐसा नहीं करता। ठीक है, बर्न स्लोली और फॉर्म्स बीड, और ये जलने के बाद लास्ट में इकट्ठा बीड हार्ड कंपाउंड से इकट्ठा हो जाता है, दैट इज उसे कहते हैं बीड बनती है, इकट्ठा होता चला जाता है। एक्रिलॉन, एक्रिलिक आपको जो फाइबर पढ़ाया गया था उससे बनाए गए कपड़ों को कहते हैं एक्रिलॉन, अगर उस फाइबर को धागे को जलाते हैं तो ये वन स्ट्रिंग्स फ्रॉम फ्लेम, ये भी जलते समय इकट्ठा हो जाता है, सिकुड़ता चला जाता है ऊपर की तरफ, फॉर्म से ब्लैक बीड और काले रंग की बीड सॉलिड इकट्ठा हो जाता है, काले रंग की बीड बन जाती है। वन विद सूटी फ्लेम, और जलते समय भी बहुत सूटी धुआं, बहुत ज्यादा धुआं देता है, ठीक है ये धुआं भी बहुत ज्यादा देता है। ये तो मैंने कॉटन वूल सिल्क रेयॉन नायलॉन पॉलिएस्टर और एक्रिलॉन के बर्निंग टेस्ट, अब बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की, दूसरी बात करते हैं और पॉइंट है हमारा कि इनके जो सिंथेटिक फाइबर है इनके क्या तो हमें एडवांटेजेज है और क्या क्या नुकसान है डिसएडवांटेजेज है,
तो कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन में जो नॉट और यस लगा देने से नहीं होता, एक्चुअल उसके बारे में कुछ चीजें बताई जाती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा कि एडवांटेजेस बात करें तो सिंथेटिक फाइबर पे सभी सिंथेटिक का नाम ले लेते हैं हमने, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलॉन, ठीक है। तो इसकी बात करें तो एडवांटेज दे आर स्ट्रॉन्ग एंड चीपर, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत कपड़े बहुत दिन तक चलते हैं, फटते नहीं है, और सस्ते भी मिल जाते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है साथ साथ, दे कैन नॉट बी वोर्न इन समर, उनको गर्मियों में नहीं पहन सकते। गर्मियों में क्यों नहीं पहन सकते, क्योंकि इन कपड़ों के अंदर होल्स से पोर्स नहीं होते जिसमें से हीट बॉडी से बाहर निकल सके, दैट मीन गैसों का एक्सचेंज बिल्कुल नहीं होने देते, और बॉडी में जब हीट निकलेगी बाहर नहीं निकलेगी तो गर्मी बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी कपड़े के अंदर और पहनना मुश्किल हो जाता है। तो सो हम गर्मियों में पहनने में सुटेबल नहीं समझते, क्योंकि दे डू नॉट अलाउ पास थ्रू, अलाउ एयर टू पास थ्रू, उन लोगों का पास नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट करते हैं दे आर क्रीज रेजिस्टेंट, दैट इज क्रीज नहीं पड़ते, सुपड़न नहीं पड़ती, ठीक है, सिंथेटिक क्रीज नहीं पड़ती, हमने पहने कैसे भी बैठ गए कपड़े ठीक रहते हैं, क्रीज रेजिस्टेंट है। व्हाई दे डू नॉट एब्जॉर्ब हीट लाइक नेचुरल फाइबर्स, अब यहाँ पर इसकी कमी है, ठीक है, क्रीज नहीं पड़ती है, तो वहीं पर दूसरा नुकसान क्या है कि ये पसीने को नहीं सोखते। अब गर्मियों में तो पसीना आना है, बरसात के दिनों पसीना आना है, पसीना नहीं सूखेंगे तो हमारी बॉडी से बहता हुआ नीचे तक चला जाता है, और दैट पसीना हमें फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसमें पसीने के अंदर बॉडी लगातार गीली रहेगी तो माइक्रो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, और लॉन्ग टर्म 12-14 घंटे के बाद बदबू आने लगती है। सो ये पसीना नहीं सूखते हैं और बाहर बॉडी से बाहर जाएगा ही पसीना निकल कर, क्योंकि कॉटन वाले तो सूख लेते हैं, फिर एयर कॉन्टेक्ट में आते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, कभी सूख भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पसीने को नहीं सोखते हैं। थर्ड पॉइंट, दे आर नॉट अटैक्ट बाय मॉथ्स एंड मोल्ड्स, वो जो छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं कपड़ों में, अगर हम रख देते हैं स्टॉक में, आलमीरा में रख देते हैं और लंबे समय तक रख देते हैं, तो उसमें किसी भी तरह कीड़े नहीं लगते, मॉथ्स एंड मोल्ड्स नहीं लगते हैं। लेकिन यहाँ पर डिसएडवांटेज आता है, दे गेट डैमेज बाय हाई टेम्परेचर व्हेन आयरन में, मतलब इधर तो कीड़े वगैरह से तो खराब नहीं होते, बट दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अगर प्रेस गर्म ज्यादा हो गई तो उस समय खराब हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं या जल जाते हैं, तो मोस्टली सिकुड़ कर खराब हो जाते हैं ज्यादातर, जैसे अभी जिसमें बीट बन रही थी और जो स्ट्रिंक हो रहे थे वो वाले कपड़े बिल्कुल ही सिकुड़ कर खराब हो जाएंगे, तो ज्यादा गर्म प्रेस नहीं लगा सकते, इनका मॉडरेट मध्यम टाइप की गर्म प्रेस लगा सकते हैं। नेक्स्ट फोर पॉइंट, दे आर इजी टू वॉश एंड ड्राई अप क्विकली, अब क्या होता है कि पानी ज़्यादा नहीं सोखते हैं, इसलिए इनको धोना आसान है, साथ साथ जल्दी सूख जाते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका दूसरा एडवर्स इफेक्ट लेंगे नेगेटिव में, दे कैच फायर मोर इजीली, अब सिंथेटिक फाइबर क्या है बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से बनाते जाते हैं ये चीज़ें, और हाइड्रोकार्बन बहुत जल्दी जल जाते हैं, आग पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए किचन के एप्रॉन्स जो बड़ा सा कपड़ा पहनते हैं, जो भी कपड़े पहने किचन में काम करने के लिए, वो कभी भी सिंथेटिक फाइबर नहीं होना चाहिए, वो क्या होनी चाहिए कॉटन होनी चाहिए, कॉटन जल्दी आग नहीं पकड़ता है, बट आपके सर वो तो बहुत तेजी से चल रहा है, हाँ वो जलता तेजी से है, बट टेम्परेचर की वजह से ना वो जल्दी आग पकड़ता है और ना जल्दी से वो जलता है। दूध जलने का मतलब है कि जैसे गर्म तेल की छींक पड़ गई तो कॉटन का जो कपड़ा है वो आपको बचा लेगा, वो खुद टेम्परेचर को बियर करेगा, अगर सिंथेटिक फाइबर पर तेज गर्म तेल छींक पड़ गई है कि इस बूंद पड़ गई गर्म तेल की किसी तरह से, तो वो उस कपड़े को सिकुड़ाकर साथ साथ बॉडी से स्टिक कर देगा, चिपका देगा, तो दैट मीन्स वहाँ पर कॉटन कपड़े पहनने चाहिए, सिंथेटिक कपड़ों से कभी भी किचन में काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। नाउ आगे नंबर 5 पर जाते हैं, दे कैन बी डाइड इन अट्रैक्टिव कलर्स एंड शेड्स, अब किस प्रकार का कपड़ा बना उसके बाद डाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं पहले बनाए बाद में डाई नहीं कर सकते, तो डाई करेंगे तो बहुत अच्छी तरह डाई हो जाता है, वो अच्छे से रंग जाता है, उसको कहीं भी स्पॉट वगैरह नहीं लगता, बहुत अच्छे से रंग नहीं हो सकती है, और वो किसी भी डिजाइन का बना सकते हैं, किसी भी कलर से रंग सकते हैं, ये सिंथेटिक फाइबर की गुड प्रॉपर्टी है। यही पर हानि नुकसान क्या है, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल,
लोअर वाइब्रेट लेवल का मतलब होता है जब कपड़े खराब हो जाते हैं फेंक देते हैं तो वो गलती सड़ते नहीं है, अगर हमने फेंक दिए कचरे में और उसके बाद मिट्टी में पड़े रहेंगे लेकिन सड़ेंगे गलेंगे नहीं। माइक्रोब द्वारा जो चीजें गलती या सड़ती नहीं है दैट इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल, और जब नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो उनका तो बहुत सारा स्टॉक होता रहेगा, एट दैट कंडीशन क्या होगा हमारे एटमोसफेयर में कचरे का ढेर इकट्ठा होता रहता है, प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है, गार्बेज प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है they are light, durable and easy to maintain. Maintain करना easy होता है, रख रखाव आसान है, कैसे भी रख दो खराब नहीं होते हैं और धोने में सुखाने में सभी तरह से easy होते हैं, ठीक है, हल्के होते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन खराब या फटते नहीं है। यही पर उसका नुकसान क्या होता है, they can cause skin problems like rashes और allergies. अब एक्चुअली क्या होता है कि कॉटन की तरह पसीना तो एब्जॉर्ब नहीं करते, तो जब पसीना एब्जॉर्ब नहीं करते हैं तो क्या करें, तो सबसे पहले आपको एलर्जी क्रिएट करते हैं स्किन में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो बच्चों मैंने आया आपको तो देखिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई, पहले पॉइंट पर बताया था फाइबर के बर्निंग टेस्ट, और दूसरे मैंने आपको बताया कि सिंथेटिक फाइबर में क्या एडवांटेजेज है और कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं, तो इस तरह से मैंने छह एडवांटेज और छह डिसएडवांटेज बताए, इन्हें आप अच्छी तरह से याद रखें, लाइक करना भी जरूरी होते हैं। थैंक यू, और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू।